इज घाट। चारों ओर का मौसम काफी सुहाना हो रखा है। यहाँ पे व्यू पॉइंट बने हुए हैं, कुछ मुझे काफी गहरी खाई है लेकिन फिलहाल दिख नहीं रहा कुछ। चारों ओर घना कोहरा है। फिलहाल हम पहुंचे हैं मालशेज घाट। यहाँ पे कोहरा काफी ज्यादा है तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अभी सावधानी से गाड़ी चलानी पड़ रही है, हेडलाइट्स ऑन। ये देखिए यहाँ पे कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत ही शानदार नजारा, लेकिन नजारा दिखना भी चाहिए। अभी हम लगभग कितने घंटे की यात्रा करके हैं, 8-9 घंटे की यात्रा करके हम पहुंच चुके हैं वैद्यनाथ मंदिर जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। बहस है इसमें अभी कौन सा है, झारखंड वाला है कि ये वाला है। ठीक, देखिए अभिषेक करवा रहे तुमसे। जस्ट अभी शाम के 6 बजे हमारे दर्शन कंप्लीट हो गए वैद्यनाथ जी के। अभी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, वो आदर्श ज्योतिर्लिंग कहते हैं इन्हें। एक देवघर में और एक यहाँ पे परली में, तो दोनों के बीच में विवाद है कि असली नकली तो कुछ होता नहीं है, लेकिन भक्तों के अपने अपने तर्क हैं कि ये असल है वो असल है। मैं क्या, मैं तो भक्ति से दर्शन अभी कंप्लीट हो चुके हमारे, तो अभी हमें काफ़ी दूर जाना है, दूसरा ज्योतिर्लिंग भी करना है। आज शाम यही पहुँच जानी है और मैंने यहाँ से चलिए हर हर महादेव। अच्छा, 6 चार हो चुके हैं। अब यहाँ पे 8वां ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आए हैं जो कि औंध में है, नागनाथ। तो देखते हैं जहाँ तक कैमरा अलाउ होगा वहाँ तक। नहीं नहीं, तो अब नागनाथ औंध में है, अंदर हमने प्रसाद वगैरह सब लिया हुआ है। देखिए कितना समय लगता है, फिर यहाँ से हमें भी जाना है औरंगाबाद कैलाशा टेम्पल। तो 200-250 घंटे का रास्ता है। ओके, बाकी मैं अपडेट करता हूँ।
आ गए हैं, घृष्णेश्वर टेम्पल दिख रहा है। तो पता नहीं अंदर कैमरा अलाउ है कि नहीं, इसलिए बाहर से जितना दिख रहा है उतना देख लीजिए फिलहाल। तो ये भी एक ज्योतिर्लिंग में ही है। इसके बाद हम जाएंगे कैलाश टेम्पल, जो एक पत्थर से बना हुआ है।